हेलो एवरीवन गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो वेलकम टू न्यू इंडियन एरा एंड मेरा नाम है प्रशांत। आप देख रहे हो हमारा चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी जिसका नाम है, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, और उसके साथ साथ जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था अच्छे से। सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन, और स्टार्ट किया था हमने चैप्टर को। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टूल के बारे में। तो गाइस अभी हम शुरू करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबा लीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो मुझे Instagram में फॉलो कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए रहेंगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने आपको लिंक दे रखी है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओगे ऐप को डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज हमें पढ़ना है बायोलॉजिकल टूल के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारे डिवाइसेस लाइक पीसीआर और इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी चीजें हमने आज सीख ली थी इसके पहले वाले पार्ट में। आज हमको देखना है बायोलॉजिकल टूल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या था, है ना, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का पर्पस क्या था, किस तरीके से हम नया नया डीएनए में चेंजेस करके और बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो अब गाइज हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल टूल्स, मतलब कि जैसे बायोलॉजिकल एजेंट थे हमारे, कैसा कि सेल थे, डीएनए आरएनए, ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट थे, वैसे आज हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में। ऐसे कौन से टूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे जिनसे कि हम डीएनए के अंदर चेंजेस ला सकें, वही सारे कहलाते हैं बायोलॉजिकल टूल। तो ऐसे हैं मतलब एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये सब कहलाती हैं। मैं इन शॉर्ट छोटे से तरीके से आपको ये सारे के सारों का मतलब समझा देता हूँ आपको। देखो मान लो जैसे कि एक ये इंसान है, ठीक है, और ये दूसरा इंसान है, मैंने आपको इसका एग्जांपल कल भी दिया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर का डीएनए आपको इसके अंदर ट्रांसफर करना है, तो मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है वेक्टर, ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्लोनिंग वेक्टर, जो डीएनए को क्लोन करवाएगा, मतलब इसके अंदर के डीएनए को एज इट इज इसके अंदर ट्रांसफर करवाएगा कॉपी करवा के। तो कैसे, तो ये काम सिर्फ कौन करवा सकता है, ये काम हमारा क्लोनिंग वेक्टर ही करवा सकता है। कौन करवा सकता है, क्लोनिंग वेक्टर। तो वो जो चीज है वो लेकर के जाने वाला काम करेगा, ठीक है, मतलब यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट को यहां तक लेकर के आने में सिर्फ यही काम हमारा इस्तेमाल हो सकता है और यही हमारी हेल्प करेगा। कौन, तो क्लोनिंग वेक्टर, वो ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से डीएनए को दूसरे जगह में लेकर के जाने में हेल्प करेगा। चलो ठीक है, दूसरी बात, अब इस इंसान के अंदर हमने देखा था कि एक डीएनए जो होगा वो बहुत बड़ा रहता है, ऐसे हमने देखा भी था ना, डीएनए बहुत बड़ा होता है, आई थिंक आपको मालूम भी होगा, डीएनए एक बहुत ही लंबा एकदम ऐसा होता है और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे अंदर अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं, है ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इनके सीक्वेंस इसके अंदर रहते हैं, थायमिन के, ठीक है। सो अब इसमें से कितना डीएनए का पार्ट, इस इंसान का जो ये डीएनए है इसमें से कितना पार्ट हमें कट करना है, कितना पार्ट हमें कट करके और इसके पास ट्रांसफर करवाना है विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, तो उसके लिए हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब कौन से एंजाइम हम ये पढ़ेंगे, तो उस एंजाइम का इस्तेमाल करके हम लोग यहां से कट करेंगे। चलो फिर दूसरी बात, हम जिस इंसान के अंदर लेकर के जा रहे हैं वो कहलाएगा हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट, ये हमारी सब टूल्स हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट क्या करेगा, ये होस्ट करवाएगा अपने पास ये डीएनए को जो हम लोग उसके पास लेकर के आए हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि आप, अब एक पर्पस है कि आप इसके अंदर का डीएनए क्यों इसके अंदर लेकर के जाना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इसके अंदर इसके जैसा कुछ चेंजेस आ जाए, है ना, आप यही चाहते हो। तो देखो इसीलिए अभी क्या करोगे, अब जो इसका डीएनए है, इसका डीएनए है, तो इसके डीएनए के कौन से वाले पार्ट में आप चेंजेस लाना चाहते हो, तो सपोज दैट आप इस वाले पार्ट में चेंजेस लाना चाहते हो, तो बस हम इस पार्ट्स को क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करके और बहुत सारे ऐसे टूल है आगे चल के बताऊंगा, उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, इसको बाइंड कर लोगे और फिर ये वाले डीएनए को यहां पर रिप्लेस कर दोगे इस इंसान के अंदर। तो यहां से लेकर के आने में क्लोनिंग वेक्टर लगेगा, वेक्टर कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम बताएंगे आगे चल के। फिर जो यहां से हमने कट किया, इसके यहां से डीएनए की कट करके पीसीआर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्लोनिंग करेंगे। अब ऐसा मत समझ लेना कि इसके अंदर से कट किया तो फिर इसके अंदर गायब हो जाएगा, हम जस्ट इसके अंदर से कट करके इसकी क्लोनिंग कर लेते हैं बाय यूजिंग पीसीआर मशीन। हमने इसके पहले वाले पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है, ओके। सो हम पीसीआर मशीन से इसकी क्लोन बना लेंगे और उसी क्लोन को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर इस इंसान के अंदर भेज देंगे, ठीक है। बट क्लोन बनाने के लिए हमें कट करना पड़ेगा डीएनए को, बीच में से हम कट करते हैं डीएनए को, तो बाय यूजिंग सम एंजाइम्स, ठीक है, जो कौन से एंजाइम है आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आई थिंक अभी आपको सब कुछ समझ में आ चुका है।
बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होती है ये, बहुत भारी टेक्नोलॉजी होती है, आपको समझ के रखना सारी चीजें अच्छे से। ओके देखो, डरो मत कोई भी चीजों को देख के, एंजाइम्स के बारे में जानते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे। इन सारे एंजाइम्स का इस्तेमाल तो आज आप नहीं सीखने वाले हो, और कुछ एंजाइम का इस्तेमाल आपने चैप्टर नंबर 4 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ लिया है। जैसे कि पहला है लाइसोजोम्स, न्यूक्लियेजेस एंड एक्सो न्यूक्लियेजेस, इंडो न्यूक्लियेजेस, सब बताऊंगा अभी आपको, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेजेस, डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेजेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, ये सब के सब हमारे एंजाइम्स हैं। आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर लास्ट में किसी वर्ड के एज आया ना तो समझ जाना कि वो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम। और किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओएससी आया था ना तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हाउ? जैसे कि ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रैक्टोज है, लैक्टोज है, ये सब के सब ओज वाले हैं, सब क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जिस वर्ड के लास्ट में देखो एज आएगा, है ना, जैसे कि लाइसोजाइम्स, इसको छोड़ दो, बाकी के सब देखो एजेस, एजेस हर जगह आपको एज दिखेगा, हर जगह लास्ट में एज दिखेगा, ठीक है, तो वो सब आपका एंजाइम कहलाता है। ठीक है, ये बातें थोड़ा ट्रिक याद रखना। तो ये सारे एंजाइम्स हम इस्तेमाल करते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला एंजाइम है हमारा, मतलब इस एंजाइम का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस आपको मालूम हो कि जो हमारा डीएनए रहता है, ऐसे हमारा कुछ डीएनए होता है, आई होप आपको अच्छे से याद है, ये हमारा डीएनए होता है इस तरीके से। तो डीएनए जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वो किस मतलब किस चीज से बनता है, कौन से बैंड का इस्तेमाल करके बनता है? तो आपको बता दूं कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसका इस्तेमाल करके हमारा ये डीएनए बनता है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो अब आप ही बताओ मुझे, इस बैंड को या फिर आप बॉन्ड को जो भी कहना चाहो, जिसे हम पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स भी कहते हैं। अब ऐसा पॉली मतलब मिनी होता है, क्या होता है? पॉली मतलब मिनी, और न्यूक्लियोटाइड आपको मालूम है ना, वो 5 एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल थायमिन जो रहते हैं वही न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो डीएनए के पास एडेनिन गुआनिन साइटोसिन और थायमिन होता है, ठीक है, मतलब कि एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ये चार का ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, ये बात आपको मालूम भी है। अब आपको ये भी पता है कि इस तरीके से एक ये स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड हो गया, इनके बीच में किस तरीके से हमारा डीएनए ऐसे बाइंडेड होता है, ये सब आपको मालूम है, मैंने इसके पहले सब पढ़ा रखा है ना, ऐसा आपको सब पता है कैसे बाइंडेड रहता है। जैसे कि मान लो, अगर मान लो यहाँ पे एडेनिन है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी एटी के साथ थायमिन के साथ ज्वाइंट रहेगा, अगर गुआनिन है तो ये साइटोसिन के साथ ज्वाइंट रहेगा, तो ये सब आप चीजें आपको मालूम है दोनों स्ट्रैंड से किस तरीके से सारी चीजें बाइंडेड रहती हैं, ठीक है। तो अब इनको हमें कट करना होता है, है ना, मतलब इन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इनको मान लो इतना सा हमें क्लोन करना है, ठीक है, तो इसको मुझे कट करना पड़ेगा, डिजायर मेरी है, इच्छा है मेरी, इसको कट करके कुछ चेंजेस करना है। कट करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है न्यूक्लियेज, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे न्यूक्लियेजेस बताया भी है, देखो ये न्यूक्लियेजेस है ना, तो इसी एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं। ये न्यूक्लियेजेस फिलहाल दो टाइप का होता है, पहला टाइप है इसका एक्सो न्यूक्लियस, दूसरा टाइप है इसका इंडो न्यूक्लियस, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। जो हमारा बेसिकली एक्सो न्यूक्लियस होता है ना, एक्सो न्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम है, ये न्यूक्लियोटाइड को कट तो करता है, बट फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड के एंड से, मतलब डीएनए के साइड से कट कर देता है। बट अगर इंडो न्यूक्लियस, जैसे कि आप इंडो मतलब इंटरनल होता है आप जानते हो, तो इंडो न्यूक्लियस जो एंजाइम है ये डीएनए को अंदर से कट कर देगा, ऐसे समझा कि नहीं, इस तरीके से कुछ कट करता है। तो ये दोनों को आपको समझ के रखना है, मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। तो डीएनए को अंदर से काट देना, ये हमारे इंडो न्यूक्लियस की खासियत होती है। अब थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको अब डीएनए बताया, तो देखो क्या होता है ना, कैसे थोड़ी की किधर भी काटेंगे, तो एक स्पेसिफिक साइट होता है जिसे हम जहां पे कट करते हैं वहां पे एक हमारा स्पेसिफिक साइट होता है फॉस्फोडाइस्टर बैंड का। फॉस्फोडाइस्टर मतलब कि देखो, ईस्टर, डाय मतलब दो, फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, है ना, तो फॉस्फेट और दो दो ईस्टर कंबाइन होकर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो फॉस्फोडाइस्टर जो होता है ना, ये एक हाईली स्पेसिफिक पोजीशन पे हम लोग इसको काटते हैं और ये डुप्लेक्स बनाता है, मतलब देखो ये डुप्लेक्स मतलब ऐसे, समझ रहे, ऐसे कुछ, ये दो दो मतलब पार्ट इसके रहते हैं, डुप्लेक्स बनाता है, और वहीं से बाय यूजिंग दीज एंजाइम्स हम लोग उसे कट कर देते हैं। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस नाम का एंजाइम का हम इस्तेमाल करते हैं टू कट दी डीएनए, ठीक है, ये बात थोड़ा सा आपको एमसीक्यू पॉइंट के लिए आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट के लिए याद कर लो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कभी कभी सिंपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। तो इसी एंजाइम का इस्तेमाल हमारे बॉडी में डीएनए को कट करने के लिए होता है,
ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। कभी कभी तो माय डियर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, डिफेंस के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। और तो और गाइस आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है ना, मतलब बैक्टीरिया जो होती है, ये अपने खुद के डीएनए को, आप देखो कोई भी ऐसा, अगर आप कभी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर आप यूज करते हो तो आपके अंदर का डीएनए तो कट जाएगा, है ना, ये तो सिंपल सी बात है। तो देखो अब जो डीएनए है ना, मतलब बैक्टीरिया बेसिकली कॉम्पिटेंट होस्ट होती है। मैंने आपको बताया था होस्ट कौन होता है जिसके अंदर हम कट करके कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ऐसा अगर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाए तो अपने आप सब चेंजेस हो जाएगा। या फिर जो ससेप्टिबल होगा, ससेप्टिबल मतलब कमजोर, जो ससेप्टिबल साइट्स रहेंगे डीएनए के, तो वो तो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से कट जाएंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। उसी के अंदर फिर ऐसे तो फिर कभी भी कटेगा इधर से डीएनए, कभी भी कटेगा और कोई नया कभी भी आएगा, तो फिर ऐसे में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, है ना। तो जो बैक्टीरिया होती है ये प्रोटेक्ट करती है अपने आप को डीएनए को कट करने से, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोलिटिक अटैक ना हो। न्यूक्लियोलिटिक का मतलब ये है लाइटिक मतलब ब्रेक, और न्यूक्लियो मतलब जो न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। तो ये कट ना हो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं डीएनए का, मतलब समझ गया ना। तो बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करती है अपने डीएनए को कट होने से, जहां पे उसका ससेप्टिबल साइट होता है वहां पर, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ के रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको बता दूं और भी जो एमसीक्यू में आता है हमेशा, कि जो रेस्ट्रिक्शन हमारा एंजाइम, ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नाम का जो हमारा एंजाइम है, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। वाई? बिकॉज ये डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करता है, और सीजर का काम क्या होता है, कट करना ही होता है। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर के फॉर्म में हम इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको समझ के रखना है। मतलब यार एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करता है हमारा ये, मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर उसे कट कर देता है, और कट करके हम लोग क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करके जहां हमारा डिजायर पोजीशन होगी, लोकेशन होगा, वहां पे हम लेकर के जाते हैं। आई होप आपको सब समझ रहा होगा, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको समझना है। अब देखो जिस साइट को हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने रिकॉग्नाइज किया कि यहां पे हम कट करेंगे, मारधाड़ यहां पे करने वाले हैं, मतलब डीएनए के इस वाले पार्ट में हम मारधाड़ करेंगे, यानी कि कट पिट करने वाले हैं, सो ऐसे साइट को रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। मतलब जहां पे हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके कट करने वाला जो उसका एक्शन है, जो सीजर करने का उसका एक्शन है, वो एक्शन को हम रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद किसी भी डीएनए को कट करने के लिए उसके पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहले रिकॉग्नाइज करता है, और देन उस पे एक्शन परफॉर्म करता है, रिकॉग्नाइज करेगा, देन उस डीएनए को कट करेगा। समझ गया अच्छे से? तो ये बातें आपको अच्छे से मान के रखनी थी। नाउ अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रिकॉग्निशन साइट्स या सीक्वेंस एग्जैक्टली कितने बड़े हो सकते हैं। अब जैसा कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये चीजें नहीं पता है, जैसे कि सपोज दिस इज द डीएनए, ठीक है, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल, और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस होते हैं, एटीजीटी, है ना, ऐसा ए एडेनिन थायमिन के, गुआनिन साइटोसिन के, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं। तो अब इन सीक्वेंस में से कितने सीक्वेंस एक बार में हमारा मतलब रिकॉग्निशन साइट बन सकता है, मतलब रिकॉग्निशन साइट मतलब वो कि जिसको हमारा एंडोन्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम है वो रिकॉग्नाइज कर सकता हो। तो ऐसे में गाइस 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड, कितने, 4 to 8, मतलब 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड्स को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है हमारा टिपिकल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब हमारा एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो करीबन एक डीएनए के अंदर 4 से 8 ऐसे मतलब न्यूक्लियोटाइड को ही सिर्फ यहां पे रिकॉग्नाइज कर सकता है, एक पर्टिकुलर इंटरनल सिमेट्री के हिसाब से। ये बात आपको समझ के रखनी है। और देन एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करने के बाद वो फिर इस एंजाइम का इस्तेमाल करके, यानी इंडोन्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम है, इसका इस्तेमाल करके और कट कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब यहां पे इस्तेमाल होगा क्लोनिंग वेक्टर। तो आपको समझ चुका कि कैसे क्या क्या चीजें कट होती हैं, आई होप कि आपको ये मालूम पड़ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा कट कैसे करते हैं वो सिखाता हूं, ध्यान देना अच्छे से। अब गाइस देखो, लिसन टू मी, अच्छे समझना मेरी बातों का, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैं जानता हूँ। अब देखो, मान लो हमारा रिकॉग्निशन जो हमारा साइट है, ये वाला हमारा रिकॉग्निशन साइट है, यानी कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है हमारा, उसने इतने से साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। तो अब इस साइट के अंदर क्या होगा, हमारे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, मान लो सी टी टी ए ए जी, ऐसे कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, साइटोसिन थायमिन थायमिन एडेनिन एडेनिन गुआनिन, ऐसे हो सकता है कि नहीं सकता है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड का साइट, ये जो एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोम। क्या कहते हैं हम इसे, पैलिंड्रोम। आई होप अब आपको पैलिंड्रोम समझ गया होगा, ठीक है। अब देखो, हमने इसके पहले एक चीज और पढ़ रखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना, आई होप आपको पता होगा, बट हमने ये चीजें सब पढ़ रखी है। देखो मैं आपको बताता हूं अच्छे, सारी चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी। सपोज दिस इज द एंजाइम, सॉरी डीएनए,
ठीक है, ये हमारा एक डीएनए है, अच्छा सा, प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, ये हमारा डीएनए है, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से हमारा क्या रहता है, इस तरीके से हमारा अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, इस तरीके से आपको समझना है, ओके। ये हमारा डीएनए है, अच्छे से ध्यान रखना, अंदर चार चार ही सिर्फ ऐसे साइट बनते हैं, ठीक है, ये हमारा डीएनए था, ओके, अच्छे से समझ के रखना। नाउ अब क्या होता है, एक अगर मान लो ये हमारा 5' एंड होता है तो ये हमारा 3' एंड कहलाता है, और अगर ये हमारा 3' एंड है तो ये हमारे यहाँ पे 5' एंड कहलाता है, इस तरीके से हमारी चीजें होती हैं। अब ये कैसा डबल हेलिक्स है ना, स्पाइरल बाइंडिंग है इसकी। अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से, देखो दो लैडर बनेंगे, एक लैडर और ये दूसरा लैडर, मतलब कि यहां पे ये 5', ये 3' लैडर, ये 3', ये 5' लैडर, समझ रहे ना। अब इसको मैं सीधा बना रहा हूं एकदम स्ट्रेट इस तरीके से, और ये देखो ये हमारे बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड की चेन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे अच्छे से, ये बनेगी हमारी न्यूक्लियोटाइड की चेन, समझ रहे ना अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके फाइन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये एडेनिन है तो ये हमारा होगा थायमिन, अगर ये हमारा ग्वानिन है तो ये होगा साइटोसिन, अगर ये हमारा फिर से एडेनिन है तो ये होगा थायमिन, क्योंकि चार तो रहते ही है, फिर ग्वानिन, फिर हमारा यहाँ पे होगा साइटोसिन, फिर यहाँ पे हमारा एडेनिन, कैसे भी हो सकते हैं, मैं एक के बाद एक बना रहा हूँ, आप लाइन से ही बना सकते हो, एडेनिन थायमिन, एडेनिन थायमिन, अगर इधर एडेनिन मतलब एडेनिन तो इधर पे थायमिन, इधर गुआनिन तो इधर साइटोसिन, तो समझ लो ना कुछ भी, लेकिन एडेनिन और थायमिन का और गुआनिन और साइटोसिन का ऐसा पेयर बनता है, ओके चलो। अब अगर मान लो हमारा रिकॉग्निशन साइट जो है वो सिर्फ इतना सा है, दिस इज माई रिकॉग्निशन साइट, अब आपको अच्छे समझेगा, दिस इज माई रिकॉग्निशन साइट, आई होप आपको सब समझ रहा होगा, ठीक है। इसको किसने रिकॉग्नाइज किया है, हमारे रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस ने, किसने ये किया है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, कौन किया है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस ने इसको क्या किया है, एकदम रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, तो ये हमारा रिकॉग्निशन साइट बन गया, ओके। अब इस रिकॉग्निशन साइट ने जो भी इन हमारा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है इसको जो भी रिकॉग्नाइज किया है, तो एक तो 3' से 5' के लिए हो गया, और एक 3' और यहाँ पे एक 5' से 3' के लिए हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मतलब अगर मैं ऐसी कोई भी एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो सी टी और ए, ऐसे ये चार को ही किया, मैं ऐसे मान रहा हूं ना, आप समझो ना, मैं आपको रियल वाला दिखा दूंगा फिर बाद में। अब देखो तो ए के बाजू में कौन है, मतलब यहाँ पे सी के बाजू में कौन है, तो जी इधर पे आएगा, फिर टी के बाजू में कौन, इधर पे ए आएगा, इधर पे भी ए आएगा, फिर इधर ए के बाजू में कौन, इधर टी आएगा। मतलब देखो ना यार, ये वाला अगर 3' से 5' है तो ये वाला क्या रहेगा, 5' से 3' रहेगा, तो बस यहाँ पे पैलिंड्रोम बन रहा है, मतलब ये एक सीधा इस तरीके सी टी 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 ए है, तो ये हमारा कैसा है, ये टी टी ए जी ऐसे हमारा बना हुआ है, समझ गया। मतलब ये सारा हमारा पैलिंड्रोम इस तरीके से क्रिएटेड है, समझ गया, मतलब कि जस्ट कुछ नॉर्मल नहीं है यहाँ पे, बस एक सीक्वेंस मिला है, ऐसे ही सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम कहते हैं, पैलिंड्रोम, समझ गया अच्छे से। अभी हम इसको कट करेंगे और इसी सीक्वेंस को हम दूसरे जगह लेकर के जाएंगे, तो अब यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, तो ये हमारा पैलिंड्रोम कहलाता है, वो सीक्वेंस जिसे हमारा मतलब रिकॉग्नाइज किया है हमारे इंडो न्यूक्लियस एंजाइम ने, इसको हमने शॉर्ट में इंडो न्यूक्लियस को इस तरीके से इकोरी लिखते हैं, शॉर्ट में कौन बड़ा बड़ा बार बार लिखेगा, है ना। देखो अब यहाँ पे जैसे 3' से लेके यहाँ पे 5' इतना है, तो फिर यहां से देखो 5' से 3' तक इतना रहेगा, मतलब सी के सामने जी, टी के सामने ए, फिर ए के सामने टी, फिर ए के सामने टी, फिर जी के सामने सी, समझ रहे ना मेरी बातों को, मैं जो आपको बोल रहा हूं, ओके फाइन। नाउ अब अगर मान लो हमारा कट करने का तरीका, अब देखो अभी तक तो हम जान लें कि कौन कट करता है, इंडो न्यूक्लियस कट करता है, लेकिन कट करने के तरीके होते हैं, अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, ब्लंट तरीके से कट करना या फिर स्ट्रिकी तरीके से कट करना, किस तरीके से कट करना होता है तो आपको समझ रहा होगा, कैसे हमारे डीएनए को काटना है, अब यहां से किधर से भी थोड़ी काट दोगे, ठीक है, तो ऐसे किस तरीके से कट करके हम निकाल लें और इसका पीसीआर मशीन से इसकी क्लोनिंग कर दें, ये चीज अभी हमें समझनी होती है। तो अब देखो सपोज दैट माय डियर यहां से हमें कट करना है तो क्या किया जाएगा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम इस साइड से यहां से ये वाला सीक्वेंस से काटेंगे तो इस साइड भी हमारा जी के सीक्वेंस से ही कटेगा, मतलब समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमारा यहां से हम इसको कट कर रहे हैं तो हमारा इधर से भी ऐसे ही कट करेगा, मतलब देखो मैं अभी आपको यहां पे बताता हूं, देखो लिसन टू मी, ठीक है, देखो ये 3' से 5' के लिए ये वाला सीक्वेंस है, अभी सीक्वेंस कैसे आया देखो, यहां से अगर 3' से 5' जाएंगे तो सी टी टी ए आएगा, मैंने यहां पे कुछ भी लिया है, वहां पे कुछ भी वैसा उधर आएगा, यहां पे 5' से 3' में जाएंगे तो ऐसा सीक्वेंस आता है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है 3' से 5', अब आपको समझाना है कैसे आता है, ओके 3' से 5' में ऐसे जाओगे, 5' से 3' में ऐसे आएगा, समझा। अब चलो इसको कट करते हैं, देखो डीएनए में कैसे दिखेगा, देखो ये 3' से 5' इधर है, ये 3' यहां से देखो 5' से 3' इधर है, ये हमारा एंजाइम है इकोरी, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, शॉर्ट में इकोरी उसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये हमारा देखो जी के सामने सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, अब ये भाई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है,
समझ रहे इससे कौन से इसको कौन समझना है, इससे थोड़ी डरना होता है। अब देखो तो हम अपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को इसी के बास में लाके रख देंगे, हमने अपने साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, ये रिकॉग्निशन साइट बन गया, यहां पे हम अपने एंजाइम को लेकर के आएंगे और ये एंजाइम देखो यहां से फटफट फटफट काट दिया, समझ में आएगा। तो एक बार देखो यहां से जी के साइड से काटा है और यहां पे किससे काटा है, देखो यहां पर भी जी के साइड से काटा है, यहां पर जी के साइड से काटा है, मतलब कुछ जानते हो किस तरीके से काटा है इसने, कटाई किस तरीके से किया है जानते हो, इसने कटाई कुछ इस तरीके से कर रखा है, मतलब देखो ऐसे कुछ इसने काटा है, समझ रहे हो मेरी बातों को, गेटिंग माई पॉइंट, कुछ इस तरीके से इसने कट किया है, समझ गया, ऐसा सीक्वेंस कट किया है, समझ रहे ना मेरी बातें, कैसे कट किया इसने, कुछ इस तरीके से मतलब इधर से जी और इधर से भी जी, दोनों साइड से जी के तरफ से ही इसने कट कर दिया, ये हमारा सीजर का काम कर दिया, डीएनए को काट दिया, समझा कितना इजी बन गया ये, 3 मार्क्स को एग्जाम में आता है और बच्चों को जब तक समझ ना आए, समझाने वाला टीचर ना हो तो उसे बहुत हार्ड लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। अब कट करोगे तभी ना दूसरे इंसान के अंदर इसे भेजोगे, तो कट कर दिया। अब देखो बहुत सारे तरीके हैं, अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में एक तरीके का नहीं होता, देखो जैसे यहाँ के L1 फिर बैम HI एकोरी HIND-2 ऐसे एक और आएगा HIND-3, ये सब आप डिग्री लेवल में जाओगे ना तब आप सीखोगे, बस अभी के लिए नाम याद रखो, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और ये एंजाइम मिलते कहां से हैं, तो ये सब बैक्टीरिया से मिलते हैं, जैसे कि मतलब ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस बैसिलस अमाइलोलिकिफिशियंस ऐसे या फिर इसरेशिया कोलाय या फिर H influenza RD, तो इन सभी से हमारे ये सारे के सारे जो मतलब हैं बैक्टीरिया, ये इनसे मिलते हैं, आपको नाम याद करना पड़ेगा। और ये चीज को अगर आप हार्ड बोलो तो मैं क्या कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ये नाम है, जैसे मेरा नाम प्रशांत है तो आपको याद है, वैसे इन बैक्टीरिया कहां से आती है, उन बैक्टीरिया का नाम याद, ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस, अब आपको नाम तो याद करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे कट करने के तरीके होते हैं, जैसे कि हमने रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसमें से कट करना है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ब्लंट इंड होता है, फिर ऐसे स्टिकी इंड होता है। अब देखो ब्लंट मतलब क्या, जो सीधा सीधा हो, मतलब देखो सीधा सीधा एकदम काट दिया, मतलब ये बाद में ज्वाइन भी नहीं हो सकते, और ये कैसा स्टिकी इंड, मतलब कट होने के बाद भी देखो स्टिकी रहेंगे। अब आप इस चीज को रियल लाइफ फिजिकली इमेजिन करो ना, अगर मान लो आपके सामने एक ब्रिक्स है और आपको इस स्टिकी इंड के जैसे काटोगे तो वो कभी अलग होगी क्या, तभी भी एक दूसरे के ऊपर रहेगी ना, लेकिन अगर आप इसी ब्रिक्स को एकदम बीच में से काट दोगे तो ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इसे ब्लंट इंड और स्टिकी इंड इस तरीके से हमने इसको कट किया, और बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आई होप अब आपको ये बहुत चिंदी लग रहा होगा, क्योंकि ये सब आपको समझ चुका है, एग्जैक्टली ये सब क्या लिखा है ये सब आपको समझ चुका है ना, कितना आसान है ना ये वाली बातें, तो बहुत आसान होता है माय डियर। सो गाइस आपने ये सब चीजें सीख ली किस तरीके से हमारा डीएनए कट करना होता है। तो हमने फाइनली अब तक क्या सीखा कि हमारा जो डीएनए है उसको कट कैसे करते हैं, मतलब जो हमारा ये डीएनए था इसको कैसे काटा जाता है। कट कर लिया तो कट करने के लिए हमने पहली पॉइंट क्या थी हमारी, कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, एंजाइम है ये, इसका इस्तेमाल किया। फिर हमने क्या किया, पहले रिकॉग्निशन पर्टिकुलर साइट स्पेसिफिक साइट को हमने रिकॉग्नाइज किया, ये हमारा खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। फिर उसको हम एक सीक्वेंस में काटते हैं, काटने के तरीके दो हैं, एक स्टिकी इंड से काटो या तो फिर उसको ब्लंट इंड से काटो, कैसे भी काटो लेकिन काटो, क्योंकि काटोगे तभी ना दूसरे के डीएनए में इसको ट्रांसफर कर पाओगे, तभी ना टेक्नोलॉजी काम करेगी, ठीक है। तो काटो लेकिन इसको ही मत उड़ा लो, नहीं तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके डीएनए को कहीं लेके जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी यार, आएगी तो उसको कट करके फटाक से पीसीआर मशीन, जो डिवाइस है हमारा, हमने इसके पहले डिस्कस किया है, तो डिवाइस का इस्तेमाल करके इस कटे हुए पार्ट का डबल बना दो, क्लोनिंग कर दो, इसी कहते हैं क्लोनिंग ऑफ द डीएनए, समझ गया, इसी का क्लोन कर दो, मतलब इसके जैसा सेम सेम डीएनए का, अब इस डीएनए को दूसरे के अंदर डाल दो, कितना आसान प्रोसेस है ना, ठीक है। तो ये सब कट करने के तरीके थे, किस तरीके से कट करते हैं, ठीक है, ये सब बहुत तरीके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब काट लिया है तो लेकर के भी जाएंगे ना, तो लेकर के जाने के लिए अब इस्तेमाल करेंगे क्लोनिंग वेक्टर का, ये बायोलॉजिकल टूल है, ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो व्हीकल ऑफ द डीएनए, यहां पे लिख के भी मैंने रखा है, ये व्हीकल ऑफ द डीएनए है, व्हीकल मतलब गाड़ी है, गाड़ी लेकर के जाने के लिए, जो कटा हुआ है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है। तो जो हमारा रेप्लीकेट जहां पे होने वाला है, जहां पीसीआर मशीन काम करती है, वहां पर रेप्लीकेशन के लिए इस डीएनए को हमको लेकर के जाएंगे, इस डीएनए के सेगमेंट को, ये हमारा फॉरेन सेगमेंट है। अब देखो जैसे कि मान लो ये एक इंसान है, इसके अंदर हमें लेके आना है डीएनए, इस इंसान के अंदर अभी हमने काट पीट जो किया है वो इस इंसान के डीएनए को हमने काट पीट किया है। अब यहां से इसके अंदर हमें मान लो लेकर के आना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो डीएनए होगा ना, डीएनए का जो सेगमेंट हमको यहां से मिला है, तो उसे ये वाला इंसान क्या बोलेगा कि वो फॉरेन डीएनए का सेगमेंट है। अब जैसे हमारे लिए अमेरिका फॉरेन कंट्री है, वैसे इस इंसान की, मान लो बी इंसान है, ये ए इंसान है, तो बी इंसान के लिए ए इंसान वाले का डीएनए या जो ए वाला इंसान का जो डीएनए रहेगा वो फॉरेन डीएनए सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरा डीएनए थोड़ी आ रहा है यार, कुछ पार्ट ही हमने काट के लिया है ना, इसके लिए हम उसे सेगमेंट कह रहे हैं, ठीक है। और इसी डीएनए सेगमेंट को हम होस्ट सेल के अंदर लेकर के आएंगे।
अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस ये क्लोनिंग वेक्टर के लिए हम बहुत सारे वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल अपने बॉडी में अवेलेबल होते हैं, जैसे पहला है प्लाज्मिड है, फिर बैक्टीरियोफेज है ना। बैक्टीरियोफेज ऐसा एक चीज होती है जो खुद ही मतलब बैक्टीरिया को भी किल कर देता है या वायरसेस को भी खा लेता है, मतलब मार देता है, ये बात आपको समझनी है। जैसे कि लैम्ब्रा वायरस है, M13 वायरस है, ऐसे कॉस्मिड है या फिर फैजीमिड्स है ना, BAC, YAC, ये सब आप नाम याद रख लो। ट्रांसपोसोन्स है या फिर बैकेलो वायरसेस है और मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स है, इनमें से किसी भी वेक्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये दुनिया में अवेलेबल वेक्टर्स हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ देम, ठीक है, कोई भी इसमें से इस्तेमाल करो। ज्यादातर हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम लोग या तो मतलब प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल करते हैं या तो फिर ज्यादातर हम लोग बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो दो ही हैं हमारे पास ज्यादा जिनका दुनिया में आज के वक्त में इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको अभी सब समझ गया रहेगा कि कौन कौन से कॉमन आपके मतलब वेक्टर्स हैं, जिन वेक्टर्स का बस इतना ही काम है कि वो इस्तेमाल करके हम उनका दूसरे जगह लेकर जा सकते हैं। अब बहुत सारे यहाँ पे कॉमनली मतलब प्लाज्मिड के वेक्टर्स जैसे कि PBR है, 322, PUC, टी प्लाज्मिड, नाम याद रखना चाहो कर लो, मेरा क्या है, बट मैंने आपको कॉमन वाले बता दिए कि प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज, दीज आर द टू वेक्टर्स जो कि यूज होते हैं DNA के ट्रांसफर करने में। ओके चलो अभी हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी है गाइज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, तो आपको डायरेक्टली मैं यहां पे बताता हूं प्लाज्मिड्स के बारे में। अभी प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज इस्तेमाल होता है, तो प्लाज्मिड का काम क्या है कि डीएनए को लेकर के जाता है, समझ रहे हो ना, जहां पे फॉरेन डीएनए जो रहता है एक इंसान के अंदर का जो फॉरेन डीएनए, तो उसको होस्ट करवाता है दूसरे जगह में। तो आपके दुनिया में आज तक ज्यादातर ना इशरीसिया कोलाय नाम की बैक्टीरिया को ही हम होस्ट मानते हैं, मतलब इसी के अंदर हम डीएनए को लेकर के जाते हैं। क्या इंसानों के अंदर पहले थोड़ी ट्रायल होता है, पहले तो बैक्टीरिया, बंदर, इन सभी के ऊपर ट्रायल होता है, ठीक है। तो इशरीसिया कोलाय जो बैक्टीरिया है हमारी, अब आपको इसकी स्पेलिंग अगर नहीं आती रहेगी तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां से आप इसकी स्पेलिंग को जानोगे, ठीक है। देखो यहां से आप समझ जाओगे, इशरीसिया देखो कोलाय, इशरीसिया कोलाय R13 जो है यही इसका नाम है, इशरीसिया कोलाय, ठीक है। इन्हीं के ऊपर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या, देखो ये एग्जाम में ऐसे ही लिखना, इसलिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाई, जितना नोट्स मैं आपको देता हूं सारी देता हूं, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी नोट्स नहीं बना सकते हैं तो एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। अब क्या मतलब पहले से शॉर्ट है, उसको भी शॉर्ट लिख के आओगे तो क्या मार्क्स मिलेगा यार आपको, तो मेरी बातों को थोड़ा समझा करो, जो चीज देता हूं वो इंपॉर्टेंट ही होती है, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने बताया था ना, वही कट करना फिर लेकर के जाना, ये पूरी टेक्नोलॉजी ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। जो अभी हम कर रहे थे, कट रहे थे, फिर उसको एक होस्ट से दूसरे जगह लेकर के जा रहे हैं बाय यूजिंग सम वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज, है ना, तो ये सब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही है। समझ रहे कि नहीं समझ रहा, तो इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स और बहुत सारे इंजीनियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इन्वेस्टिगेटर्स ने, और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, जैसे देखो इस तरीके से हमारा साइट क्रिएट किया, जैसे देखो दिस इज द डीएनए जो हमारा है ना, ये डीएनए है, इसको देखो इस, ये हमारा ओरिजिन है, जो मतलब रेप्लिकेशन ओरिजिन, ये एक एंजाइम है, यहाँ पे देखो हमारा फिर दूसरा ये ड्रग रेजिस्टेंस एंजाइम है, ये AMPR, तो ये सब एंजाइम्स ने हमारे डीएनए को बाइंड कर रखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा देखो साइट, जैसे कि देखो हमारा ये डीएनए था, इसके छोटे से पार्ट को पहले से ही कवर करके रखा गया है जिस इंसान के अंदर हम लेकर के जा रहे हैं, उस इंसान के अंदर हम उस इंसान के अंदर इसको क्या करके रखे हैं, इसको देखो यहां पे हमने इसको बाइंड कर रखा है, हमने इसको बाइंड कर रखा है, ये बात आपको समझ के रखनी है, हमने इसको बाइंड कर रखा पहले से ही, क्यों, क्योंकि हमें इसी के जगह में वो फॉरेन वाले डीएनए को लाके डालना है, जो होस्ट है हमारा उसके अंदर डाल रहे हैं ना हम लोग डीएनए को यार, तो इसी के अंदर हमको डालना। कौन लेके आएगा, प्लाज्मिड लेकर के आ रहा है, तो प्लाज्मिड देखो इस तरीके से बाइंड करके इन सारे एंजाइम का इस्तेमाल करके, जैसे कि HIND-13, SPHL, PSTL, सेल, XVEL, आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, SMAL, ऐसे एक दो का नाम, जैसे ई कोराय है, HIND-3 है, इसका नाम याद कर लो, बाकी चलेगा कोई नहीं। सो ऐसे लिंकर यहाँ पे क्रिएट होता है, पॉली लिंकर, जो कि बहुत सारे डीएनए को लिंक करवाता है प्लाज्मिड से, जो हमारा फॉरेन डीएनए लेकर के आ रहा है डीएनए सेगमेंट। तो ये जो यहां से लेकर के, मैं आपको यहां पे शेड करता हूं, यहां से लेकर के इतने से साइट में हमें उस फॉरेन वाले को यहां पे डालना है। देखो यहां पे लिखा भी है रीजन इनटू व्हिच फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड, इसी रीजन में हमारा क्या होगा, इसी रीजन में हमारा डीएनए आकर के इंसर्टेड होगा, इस इंसान का जो डीएनए है इसको हमने बाइंड करके रखा है, और इसी जगह में हमारा ये वाला डीएनए क्या होगा, इंसर्ट होगा, ये बात आपको समझ के रखनी है। यहीं पे हमारा प्लाज्मिड लाके इंसर्ट करता है। ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट होता बहुत इजी है, इसे मशीन परफॉर्म करती है, ठीक है, ये बातें आपको समझ रखनी। मतलब देखो यही है कि मान लो ये आपका डीएनए है, तो अब जिसके डीएनए में हम चेंजेस करना चाहते हैं, एक से तो कट करके लाया, वो आपने समझ लिया कैसे हम रिकॉग्निशन साइट करते हैं, कैसे कट पिट करते हैं फिर लेकर के आते हैं, लेकिन जिसके अंदर लगाना है उसके अंदर भी हमें फिक्स करना पड़ेगा ना यार।
तो उसके अंदर भी हम एक मतलब एक रीजन बना के रखते हैं कि यहीं पर लाके उसको डालना है। प्लाज्मिड जो हमारा फॉरेन डीएनए सेगमेंट लेकर के आ रहा है, या बैक्टीरियोफेज यानी कि वेक्टर, जो क्लोनिंग वेक्टर है, जो किसी भी डीएनए को क्लोन करके जो वेक्टर लेकर के आ रहा है वो वेक्टर यहां पे डालेगा। तो उसके लिए हम एक पहले से साइट बना के रखते हैं कि रीजन पहले से डिसाइड रहता है, जहां पे हमें डिजायर्ड तरीके से, जहां हम चाहेंगे, हमारे अपने डिजायर के हिसाब से हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वहां पे हम लाके इसको डाल देंगे और फिर इसके अंदर चेंज आ जाएगा, इसकी पूरी बॉडी बदल जाएगी या तो इसकी आगे वाली जनरेशन आने वाली बदल जाएगी। तो इस तरीके से सारा प्लाज्मिड का यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है, इस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। ओके, ये बातें आपको अच्छे से समझ के रखनी है। ओके माय डियर, नाउ अब हम थोड़ा सा लास्ट टॉपिक यहाँ पे आज का जानते हैं कि जैसे कि प्लाज्मिड वेक्टर फॉर अ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में, अभी तो ये मैंने कैसे भी बैक्टीरिया के लिए मैंने आपको बता दिया, बट प्लांट्स में एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये गाइस ये टॉपिक पूरा जीके का टॉपिक है, ये आपने पूरा देखा भी रहेगा, जनरल नॉलेज है। बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आते हैं, ये जीके का टॉपिक होता है, इसे आप साइंस समझ के मत पढ़ना, ये डीके का जीके का टॉपिक है। और एक साइंस के बंदे को डीएनए वगैरह ये सब नॉर्मल पता ही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट ऐसा वेक्टर होता है जो डीएनए को कैरी करता है बहुत सारे प्लांट्स में, और वो प्लाज्मिड के फॉर्म में उसे कैरी करता है। मतलब प्लाज्मिड हमारा एक ऐसा वेक्टर है जो बहुत सारे डीएनए को कैरी करता है, लेकिन वो डीएनए जिसको कैरी करता है हमारा प्लाज्मिड, वो बहुत सारे बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, घुमा नहीं रहा हूं मैं, कट टू कट पॉइंट आपको बात कर रहा हूं। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसे हम प्लाज्मिड कह सकते हैं, वो बहुत सारे प्लांट्स के डीएनए को कंटेन करता है, लेकिन वही सेम डीएनए हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। अब मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं इसमें बताओ, ये बैक्टीरिया का नाम है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसमें इसमें भी वही डीएनए प्रेजेंट होता है। अब हमारा प्लांट जो होता है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता कि किसका कौन सा डीएनए है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम जब हमारा ट्यूमेफेसियंस आता है प्लांट के ऊपर, ये बैक्टीरिया, तो प्लांट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं और ये इनके डीएनए को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इनका डीएनए मैलिशियस रहता है। मैलिशियस इन द सेंस कि यार जहरीला कह दो या फिर खतरनाक कह दो, जो कहना चाहो आप समझो अभी, जो कि प्लांट को कॉज कर सकता है, प्लांट में प्रॉब्लम ला सकता है। उसकी सॉइल में ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस प्रेजेंट होता है, जहां प्लांट उगता है वहां की सॉइल में रहता है, और ये क्राउन गॉल करके एक बीमारी प्लांट को दे करके जाता है। आपने देखा भी होगा बहुत सारे प्लांट का ये स्टेम होता है, लेकिन उसके बगल से एक बड़ा सा स्टेम निकल जाता है, एक ट्यूमर ऑफ द प्लांट, प्लांट में भी ट्यूमर निकलता है साइड से। आपने गांव के बच्चे जो भी यहाँ पे रहेंगे वो देखे रहेंगे, शहर में तो इतना प्लांट ही देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बट अभी कैसा हम लोग जब गांव जाते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारे कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनको साइड से एक बड़ा सा एक लकड़ी बड़ी सी निकल के रखती है, फिलहाल वो लकड़ी ही होती है बट उनके लिए वो ट्यूमर होता है, समझ गया। उसे हम कहते हैं ओवरग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, जिसे एक टाइप का प्लांट का ट्यूमर भी आप कह सकती हो। तो ये होती है डीएनए की मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर थोड़ी सी भी हो गई ना तो प्लांट की भी वाट लग सकती है, तो किसी के भी मतलब कुछ भी लग सकते हैं भाई, ऐसे तुमको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ए ट्यूमेफेसियंस, ये इसके पास जो प्लाज्मिड होता है, जो मतलब वेक्टर जिसे कह सकते हो, उसका नाम है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब जो ट्यूमर को दे दिया जाता हो, मतलब एक ऐसा प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए को तो लेकर के आता ही है, लेकिन इस उसको ट्यूमर बीमारी देके जाता है, उसे हम टीआई या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझनी है, और ये हमारा प्लांट इन्फेक्टेड सेल से इन्फेक्ट हो जाता है, ये बातें बस आपको समझ कर रखनी है। अब लास्ट पॉइंट में आ जाओ, कॉम्पिटेंट होस्ट क्या कहलाता है। कॉम्पिटेंट होस्ट अब तक आपको समझ ही गया है कि क्या है, जो हम यहां से डीएनए इसका निकाल रहे थे और जिसके अंदर हम डाल रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया, मैं इंसान बना रहा हूं बार बार, ये बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, कोई भी हो सकता है, समझ गया। तो ये कॉम्पिटेंट होस्ट वो चीज है जो होस्ट करता है किसी भी प्लाज्मिड के द्वारा लाई गई किसी भी डीएनए सेगमेंट को। जैसे कोई प्लाज्मिड लेकर के आ रहा है कोई सेगमेंट को, जैसे बैक्टीरिया ही लेकर के आ रही है हमारे सेगमेंट को, वो भी बैक्टीरियोफेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं। तो एक ये क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जहां से हमारे बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, होमोफिलस, हेलिकोबैक्टर पायरोली और इशरिसिया कोलाए, ये बैक्टीरिया में ही बेसिकली हम उसे होस्ट बनाते हैं। आज तक इंसानों को होस्ट नहीं बनाया गया, अभी कोरोना वायरस का ही चेकिंग चल रही है, तो क्या इंसानों को पहले होस्ट थोड़ी बनाया गया था, बंदर है और चूहा है, इन सबको हम पहले होस्ट बनाते हैं। तो हमारा कॉम्पिटेंट होस्ट जिसके अंदर हम डीएनए का चेंजेस करके समथिंग कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज बनाते हैं, और फिर हम पहले उन पे चेक करते हैं, तो पहले तो बैक्टीरिया पे ही चेक हो रहा है, ठीक है, इन पे चेक करते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया इशरिसिया कोलाए है, इसी के अंदर हम डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी। तो यही होता है कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसके अंदर हम सारी चीजें डीएनए को ला करके सेगमेंट को डालते हैं। तो बस इतने से टॉपिक को आप याद रखना, एग्जाम में यही 2 मार्क्स के लिए पूछ लेगा तो लिख देना,
ठीक है। तो ये सारे बायोलॉजिकल टूल्स थे माय डियर। अब आगे चल के हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत ही मजा भी आएगा अगले के टॉपिक में, बहुत ही मतलब सारी चीजों को हम बेसिक से और पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सी एबिलिटीज है, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करता है। अभी तो हमने सीखा कि कौन कौन से डिवाइसेस लगते हैं, जैसे पीसीआर मशीन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिया, फिर हमने बायोलॉजिकल टूल लाइक क्लोनिंग वेक्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया एंजाइम कौन सा इस्तेमाल होता है, कैसे कट करते हैं, कैसे प्लाज्मिड उसको लेकर के ट्रांसफर करके लेकर के जाता है, बहुत सारी चीजें हमने प्लांट्स में कैसे बीमारियां हो जाती हैं इसके वजह से, वो हमने पढ़ लिया। अब हम कट करना सीख लिया, डिवाइस कौन सा इस्तेमाल करना है सीख लिया, सारी चीजें सीख ली। अब इसको रियलिटी में करते कैसे हैं, इसका फायदा क्या होता है, सब हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।